अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली डेलिशियस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और आलू मसाला पूरी। पहले हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, हम उसका सारा सामान आपको दिखा देते हैं। ये हमारे 5 से 6 आलू हैं जो हमने उबाल कर और हमने छील कर रखे हुए हैं। ये हमारा मसाला है, इसमें आधा चम्मच हमने साबुत धनिया, आधा चम्मच हमने सौंफ और आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, जो हमने हल्का सा रोस्ट करके हमने इसमें इमामदस्त से कूट लिया है। ये हमारे 4 बड़े टमाटर के टमाटर प्यूरी जिन्हें हमने मिक्सी में पीस लिया है, और बाकी हमारे धनिया है, ये कसूरी मेथी, बाकी मसाले हम डालते जाएंगे और बताते जाएंगे। मसाला पूरी का हम बाद में आपको बताएंगे। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी खा सकते हो जो आप यूज करते हो। सरसों का तेल थोड़ा हेल्दी होता है हार्ट वगैरह के लिए, इसलिए हम सरसों का तेल यूज करते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, अपने पूरियों में डालेंगे। टमाटर प्यूरी डालेंगे, टमाटर थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर अपने मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए हमारे टमाटर को 2 मिनट हो गए पकते हैं, अपने मसाले डालेंगे। इसमें हम 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। अपने मसाले को अच्छे से पकने देते हैं, तब तक तेल छोड़ो। हमारा मसाला भुन गया है, अब अपने आलू ऐड करेंगे इसमें। आलू को हम ऐसे तोड़ लेंगे, एक मिनट के लिए थोड़ा सा मसाले में भून लेंगे। ये देखिए हमने आलूओं को 1 मिनट के लिए हमने अपने मसाले में भून लिया था, और हमने इसमें 1/2 लीटर पानी डाला है। हमारा पानी उबला हुआ था, पानी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है, हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। ये हमारे 2 आलू हैं, इन्हें हम थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। इसमें 1 पिंच हम सोडा डालेंगे, मीठा सोडा। ये हमारे चिली फ्लेक्स हैं, 1 चम्मच हम ये डालेंगे। थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा मसाला बचाया था अपने जो हमने सब्जी में डाला था वो हम इसमें डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने बचाया था। अब अपने आटे को हम गुनगुना पानी डाल के गूंद लेंगे। गूंदते उसमें थोड़ी सी हम हल्दी और डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच। अपने आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा आटा आधा गूंद गया है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये हमारा रिफाइंड ऑयल है, इसे डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। हमारा ये नरम आटा गूंथा है हमने। ये देखिए हमने आटा अपने गूंद लिया है, और हमने कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, इसमें हम अपनी कसूरी मेथी डालेंगे। अपना हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है,
ये हमारा रिफाइंड ऑयल है, हम अपनी पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तेल का हाथ लगाएंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अपने पूरी को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। पूरी को डालते हैं, मैं ऐसे दबाते जाए ताकि पूरी फूल जाए। ये हमारी मसाला पूरी फ्राई होकर तैयार है, हम दूसरे को डाल के कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पूरी और सब्जी बनकर तैयार है। और ये देखिए हमारी आलू पूरी और आलू की सब्जी बनकर तैयार है, अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी डिश बनकर तैयार है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।